नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान चालीसा विवाद में अब ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी खुद गए हैं। ओवैसी ने शनिवार को दावा किया है कि उनके लिए यह कहना अनुचित होगा कि वे प्रधानमंत्री आवास के सामने नमाज अदा करना चाहते हैं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से राहत भरी खबर सामने आई है। अंडमान एक बार फिर से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहां 23 अप्रैल को एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला था, जिसे 30 अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच जंग 24 फरवरी को शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक रूस को 1000 से अधिक टैंक, 200 विमान और 2500 मिलिट्री वाहनों का नुकसान हुआ है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ और अधिक मिसाइलों और रॉकेट का इस्तेमाल करना होगा। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर चेताया कि यदि उनके देश को धमकी दी गई तो वे अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले भी कर सकते हैं। श्रीलंका की विपक्षी दल एसजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि उनकी पार्टी राजपक्षे परिवार के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अगले सप्ताह संसद में बहुमत साबित कर देगी। इस बीच देश में दवाओं के दाम 40 से 60 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। प्रचंड गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। संयंत्रों में कोयले की बढ़ती मांग से बिजली संकट भी गहरा जा रहा है। इस स्थिति में बिजली वितरण कंपनियों का पूरा समर एक्शन प्लान भी धराशायी होता नजर आ रहा है। राजधानी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1520 नए मामले मिले और संक्रमण दर 5.1% दर्ज की गई है। इससे पहले 2 माह पहले 5 फरवरी को 1604 व 1 फरवरी को 5.1% संक्रमण दर दर्ज की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 15 दिन बाद नकली शराब का धंधा बंद हो जाएगा। कर एवं आबकारी विभाग के मोबाइल ऐप से कोई भी व्यक्ति शराब की बोतल पर लगे बार कोड को स्कैन कर शराब की गुणवत्ता जांच सकेगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। जम्मू स्थित एक निजी स्कूल बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बस स्कूल परिसर में खड़ी थी, इस बीच उससे अचानक धुआं उठने लगा। इसके बाद कुछ ही देर में उस पर आग भड़क उठी, इससे पूरी बस जल गई। केजीएफ चैप्टर 2 ने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे शनिवार को भी बीते दिन से बेहतर कारोबार किया है। फिल्म ने शनिवार को ऐसी अंगड़ाई ली कि इसके आगे हिंदी की दोनों नई रिलीज फिल्मों रनवे 34 और हीरोपंती 2 की कमाई फीकी पड़ गई। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।